तो कल स्टूडेंट्स हमने कल की क्लास में फिलअप सॉल्व किए थे। अभी कुछ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे चुटकियों में एक दो सेकंड के अंदर आप लोग जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मेरा मेथड है सॉल्व करने का वो सेम रहेगा जो मैंने कल बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन को मार्क डाउन करना। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये वाले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको मार्क डाउन कर लेने हैं। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने मार्क डाउन कर लिए हैं, जैसे अर्थ पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग, वर्टिकल फार्म, डैमेज, क्लाइमेट चेंज, फर्टिलाइजर्स और इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये मेरे को जहां पर भी मिलेंगे मैं वहां पर जाके इनको मार्क डाउन करूंगा। तो अभी हम पैसेज में चलते हैं। तो आपके सामने मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्वेश्चन में दिए हुए थे वो मैंने मार्क डाउन कर लिए थे, जैसे अर्थ पॉपुलेशन फर्स्ट वाला था, उसके बाद ह्यूमन बींग्स था सेकेंड वाला, उसकी जगह पर पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, और उसके बाद जैसे क्लाइमेट के ऊपर था, ठीक है जी, वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर था, उसके बाद फर्टिलाइजर्स की बात थी और इन्फेक्शियस डिजीज था। आप दोबारा से एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स, वर्टिकल फार्म्स, ठीक है जी, डैमेज, क्लाइमेट चेंज, फर्टिलाइजर्स और इन्फेक्शियस डिजीज। तो आपको एक मिनट से पहले आपको हर एक आंसर मिलने वाला। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को चेक करेंगे कि आपका ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो डिमांड मेरे से क्या कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, कह रहा मेथड्स फॉर प्रेडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन हैव रिसेंटली चेंज्ड। इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे लिए जो टारगेट लैंग्वेज है वो हमारे लिए क्या है, एक स्कैन लैंग्वेज होती है, एक टारगेट लैंग्वेज होती है। ये अर्थ पॉपुलेशन जो है वो आपकी स्कैन लैंग्वेज है, आपको क्वेश्चन की लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। इसका आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ लेना देना नहीं है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का लेना देना किस चीज़ के साथ है, वो है आपका चेंज्ड। तो मतलब जो मेथड्स हैं पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने के, वो अगर चेंज हुए हैं तो ट्रू है, अगर नहीं चेंज हुए फॉल्स हैं, अगर नहीं बताया चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं तो नॉट गिवन है। तो यहाँ पर हम सीधा लोकेशंस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर इसने लिखा बाय 2050 80% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन सेंटर्स अप्लाइंग मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। द ह्यूमन पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय 3 बिलियन पीपल बाय देन। यहाँ पर मेथड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कंटिन्यूज एज दे आर प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर लिखा हुआ इफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स कंटिन्यूज एज दे आर प्रैक्टिस्ड टुडे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मेथड्स के बारे में कि मेथड चेंज होंगे नहीं होंगे, ये जो मेथड है ये तो फार्मिंग का मेथड लिखा हुआ था, तो इसलिए ये वाला आंसर नॉट गिवन आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर मेथड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नॉट गिवन हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है फूड प्रोड्यूसिंग लैंड की। अगर तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है तो ट्रू होना चाहिए, अगर कोई और रिस्पॉन्सिबल है तो फॉल्स होना चाहिए, अगर ये नहीं बताया कौन रिस्पॉन्सिबल है तो नॉट गिवन हो जाएगा। तो हम सीधा लोकेशंस के ऊपर पहुंच गए हैं, ध्यान से देखिए। एट प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवर 80% ऑफ द लैंड दैट इज सूटेबल फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन यूज। कह रहा है कि 80% से ज़्यादा लैंड जो है वो फूड को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 15% हिस्सा जो है वो वेस्ट पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने कर दिया, और मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस ह्यूमंस ही करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा पैराफ्रेज करके दिया हुआ है, आंसर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल फार्म्स विल डिपेंड ऑन द सीजन। अगर ये जो क्रॉप्स हैं अगर सीजन के ऊपर डिपेंड होती हैं तो ट्रू है, अगर सीजन्स का उसके साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब उसने ऐसा लिख दिया कि पूरा साल आप इसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो सारे का सारा आंसर ये है कि क्रॉप डिपेंड सीजन के ऊपर करती है, या उसने ऐसा लिखा कि आपको सारा साल इसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपका आंसर उस चीज़ के ऊपर डिसाइड होने जा रहा है। वर्टिकल फार्मिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। यहाँ पर इसने लिखा द सपोर्टर ऑफ वर्टिकल फार्मिंग क्लेम्स मैनी पोटेंशियल एडवांटेजेस फॉर सिस्टम फॉर इंस्टेंस वुड बी प्रोड्यूस ऑल अराउंड द ईयर। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सीधा आंसर है कि वर्टिकल फार्मिंग जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है, कि क्रॉप्स जो है उसको आप सारा साल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मतलब ऑल अराउंड द ईयर मतलब सारा साल। और उधर उसने लिखा था कि आपको सीजन के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, तो इसका आंसर सीधा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो मतलब फूड क्रॉप्स को डैमेज होता है किस चीज़ से होता है, क्लाइमेट चेंज से। अगर
क्लाइमेट चेंज से कोई भी डैमेज होता है फूड क्रॉप्स को तो ट्रू है, अगर इससे कोई डैमेज नहीं होता है तो फॉल्स है, अगर नहीं बताया होता है डैमेज नहीं होता तो नॉट गिवन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यार कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कोई भी हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपके फायदे की है, तो इस वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं जो आपको आइल्स कराने में, आपकी आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा पैसेज में। इसकी लोकेशन उसने थोड़ी सी रिवर्स करी है, थोड़ा सा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि आपको आइल्स में कोई लोकेशन जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बहुत रेयर होता है। हाउएवर मोर ऑफन दैन नॉट फ्लड्स, लॉन्ग ड्राउट्स, हुरिकेन्स एंड सीवियर मानसूनस टेक देयर टोल ईच ईयर, डिस्ट्रॉइंग मिलियन टन्स ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, ड्राउट जो मतलब सूखा पड़ जाता है, हरिकेन्स होते हैं जैसे तूफान वगैरह, और स्वीयर मानसून मतलब बहुत ख़राब जो बारिश वगैरह होती है बहुत ज़बरदस्त, वो अपना टोल ले लेती है, टोल होती है किराया। तो जब बारिश टोल लेती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, तो जब ये सारी चीज़ें टोल लेती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो फसलों को ख़राब करती हैं, मतलब ये मिलियंस टन्स की जो क्रॉप है उसको ख़राब कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉप को डैमेज जो है, फूड क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर उसने लिखा है फर्टिलाइजर्स विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फॉर्म्स। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो ट्रू है, अगर उसने बोला कि फर्टिलाइजर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर्स के बिना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिस पे या कैसे हम इसको ग्रो कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर्स के बारे में, ये मेरा कीवर्ड है। तो यहाँ पर इसने लिखा है ऑल फूड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली, पहली लाइन से ही आपका आंसर यहाँ पर क्लियर है। Eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilizers. ना तो आपको herbicides चाहिए ना ही pesticides चाहिए। Herbicides होते हैं जो नदीन नाशक होते हैं, pesticides होते हैं जो कीटनाशक होते हैं, fertilizers होते हैं जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी फसलें जो हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो की जाती हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आपको कुछ क्रॉप्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कोई नहीं चाहिए क्योंकि सारी क्रॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो की जाती हैं। तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वर्टिकल फार्मिंग विल मेक प्लांट्स लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई इन्फेक्शियस डिजीज। क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं रहता है, कोई मतलब उनको बहुत चांस रेयर होते हैं कि उनको कोई इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है, द सिस्टम वुड ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज दैट आर एक्वायर्ड एट एग्रीकल्चर इंटरफेस। इसको ध्यान से समझें, द सिस्टम का क्या मतलब। यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि उसने वर्टिकल फार्मिंग तो लिखा नहीं है, तो ये सारे का सारा जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पिछले वाला सेंटेंस था, वो भी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में ही उसने बताया था। तो सिस्टम का मतलब है वर्टिकल फार्मिंग के अंडर जो एग्रीकल्चर चल रहा है उससे जो इंसिडेंट्स होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब बहुत कम चांसेज हैं कि आपको जो फसलें हैं उनको कोई इन्फेक्शन होगा। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो ट्रू आ जाएगा। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, उसको जरूर देखें। अगर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आती है, लोकेशन मिल जाता आंसर नहीं मिलता, इसमें भी लोकेशन मिल जाता है आंसर नहीं मिलता, सब कुछ आपको बता दिया। तो इस वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं, और किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।